नमस्कार, आप सबको इस वीडियो में स्वागत है। आज आप लोगों को शेयर मार्केट के बारे में बताएंगे। तो बहुत सारे ऐसा लोग हैं जो शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन उसको जो है नॉलेज नहीं रहता है। तो आप लोगों को एकदम सिंपल भाषा में आपको समझाएंगे। शेयर मार्केट में जो है हम लोगों को पैसा लगाना है और उन पैसा को जो है बढ़ाना है, कम नहीं करना है। हम जो पैसा लगा रहे हैं वो बढ़े, कम ना हो जाए। तो उसको बढ़ाने के लिए आप लोगों को कुछ बातें ध्यान में रखना है, तो ही आपका जो पैसा है वो बढ़ेगा। तो इंडिया में जो शेयर मार्केट है उसमें एक तो BSE होता है और एक NSE, ये दोनों ही सेम होता है। एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दोनों में ही जो कंपनी है वो रहता है और सेम कंपनी रहता है और लगभग सेम रेंज में ही चलता है। तो जो टॉप 50 कंपनी है वो Nifty 50 में रहता है और BSE में रहता है। तो जो स्टॉक है उसको बहुत सारे जो कंपनी है उसको डिवाइड करके रखा जाता है, जैसे निफ्टी, निफ्टी बैंक, निफ्टी IT, निफ्टी मिड कैप, BSE 500। तो इस तरह का BSE IT, इस तरह का जो है डिवाइड करके कंपनी को रखा जाता है, ताकि आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आए। जैसे बैंक की जो शेयर है, जो बैंकिंग सेक्टर है, उसको बैंक निफ्टी में रखा जाता है और बाकी जो है वो Nifty 50, BSE, मिड कैप, स्मॉल कैप, इसमें रखा जाता है। तो हम लोगों के अभी इतना नहीं समझना है, हम लोगों को सिंपल भाषा में यही करना है कि हम लोग पैसा लगाएंगे और उस पैसे को कैसे बढ़ाएंगे। तो आपको पैसा उसी कंपनी के अंदर रखना है जो कंपनी अच्छा है। जैसे Nifty 50 के अंदर जो 50 कंपनी रहता है, सभी के सभी कंपनी जो है बहुत अच्छा है और A1 क्वालिटी का कंपनी है, तो उसी में ही हम लोगों को पैसा रखना है, तो ही हम लोगों की जो पैसा है वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत सारे कंपनी Nifty 50 के अलावा भी होता है। जैसे यहाँ देखिए Nifty 500, यहाँ 500 कंपनी है जो एक दिन में हाई बनाया है और इधर 500 ऐसा कंपनी है जो एक दिन में लो बनाया है। जैसे इधर आप देख सकते हैं 20%, 16%, 10%, 8%, 8%, 7%, 6%, इस तरह का एक दिन में जो है प्रॉफिट कमा के दिया है कस्टमर को, जो शेयर होल्डर्स है उनको प्रॉफिट करके दिया है। और इधर ऐसा भी कंपनी है जो एक दिन में 12%, 7%, 7%, 5%, 4%, इस तरह का लॉस भी हुआ है। तो हम लोगों को पैसा उसी में ही लगाना है जो प्रॉफिट दे रहा है। तो कैसे समझेंगे कि हम लोगों के पैसा जो है वो लॉस नहीं होगा? तो इसके लिए आपको जो है, जब आप पैसा लगाएंगे किसी भी कंपनी में, तो आपको जो है उस कंपनी का चार्ट एक बार देख लेना है। जैसे आप लोगों को हम दिखाते हैं एक एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ एक कंपनी जो है हमने सर्च कर लिया है और उस कंपनी में जो भी चार्ट है उस चार्ट को आपको देखना है। तो ये है एक दिन का चार्ट। जब पैसा हम लोग लगाएंगे तो कम से कम एक साल या फिर 3 साल की जो चार्ट है उसको देखेंगे। तो देखिए, चार्ट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है इस तरह से, तो आपको जो है ये कंपनी पैसा बना के देगा, आपका पैसा जो है लॉस नहीं होगा। बहुत सारे लोग इसको नहीं देखता है, इसीलिए शेयर मार्केट में पैसा लॉस हो जाता है और वो लोग
जो हैं निकल जाते हैं। और पैसा आपका तभी बनेगा अगर आप होल्ड करेंगे, पैसे को ज़्यादा दिन शेयर में रखेंगे तो ही आपका पैसा बनेगा। अगर आप डेली डेली शेयर खरीदेंगे शेयर बेचेंगे तो इसमें कभी आपका 5% प्रॉफिट होगा, तो कभी 3% लॉस होगा, कभी 2% प्रॉफिट होगा, तो कभी फिर से 2% लॉस हो जाएगा। तो इस तरह से आपका पैसा जो है धीरे धीरे कम होगा। इंट्राडे में प्रॉफिट कम ही होता है। बहुत सारे जो एक्सपर्ट है वही लोग जो है इंट्राडे में पैसा बना सकते हैं, लेकिन जो नया लोग हैं उसका पैसा ज़्यादातर लॉस ही होता है। तो जैसे ये चार्ट में आप देखिए, यहाँ देखिए जो 2020 में जब कोरोना के टाइम मार्केट बहुत ख़राब हुआ था, तब इसका जो है 170 के आसपास इसका शेयर था, लेकिन एक साल में ये अभी 1440-1450 के आसपास जो है यह शेयर चल गया है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि एक साल के अंदर ये शेयर इस तरह से भागा है। सिर्फ एक साल में ही नहीं, अगर 10 साल में भी अगर देखेंगे तो ये जो है ये शेयर इस तरह से ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो इस तरह का अगर आप चार्ट देख के अगर शेयर खरीदेंगे तो आपका पैसा जो है लॉस नहीं होगा। और एक चार्ट दिखाता हूँ आपको, तो यह है एग्जाम्पल के लिए है, ठीक है। तो किसी स्टॉक को बाय करने के लिए हम अभी आप लोगों को नहीं बोलेंगे। तो यहाँ देखिए इसका चार्ट देखिए एकदम सीधा जा रहा है और ज़्यादातर जो है नीचे की तरफ ही जा रहा है। तो इस तरह का शेयर अगर लेंगे जो फ्लैट में रहता है तो उसमें ज़्यादातर पैसा जो है कम होने का चांसेस रहता है। और एक चार्ट दिखाता हूँ आपको, ये जो है समझना है तभी आप जो है शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, नहीं तो आप पैसा जो है गंवा देंगे। बहुत सारे ऐसा भी है जो पैसा लॉस कर दिया शेयर मार्केट में, और आप लोगों को बोलता है कि शेयर मार्केट अच्छा नहीं है, बहुत जो है आप लोगों को डराता है। तो ऐसा नहीं है, शेयर मार्केट से पैसा कमाया जाता है। बहुत सारे लोग जो है पैसा शेयर मार्केट से कमाता भी है। तो ये जो चार्ट है देखिए ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है 3 साल में, 10 साल में भी देखेंगे तो भी ये जो है ऊपर से नीचे की तरफ ही आ रहा है। तो इस तरह का अगर आप शेयर लेंगे तो इसमें क्या होगा कि आपका पैसा लॉस होगा। अगर आप एक हफ्ते की चार्ट देखेंगे तो आपको लगेगा ये बहुत अच्छा शेयर है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये जो है इंट्राडे के लिए ठीक है, तो इंट्राडे में इसमें प्रॉफिट बुकिंग किया जा सकता है अगर एक्सपर्ट है तो। लेकिन आप अगर पैसा होल्ड करके रखना चाहते हैं तो आप उसी कंपनी में पैसा रखिए जिसका चार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, जो नीचे नहीं आ रहा है। तो ऊपर की तरफ जो चार्ट जा रहा है जिसका, उसमें पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा जो है वो लॉस नहीं होगा। और शेयर मार्केट में पैसा आप बोलेंगे किस तरह से लगाएंगे, तो शेयर मार्केट में एंट्री लेने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। बहुत सारे कंपनी हैं, अपस्टॉक, जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, ग्रो, इस तरह का बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, वहां आप आपका अकाउंट क्रिएट करके आप डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत आसान और सिंपल प्रोसेस है। अगर आप सोचेंगे तो सोचते ही रह जाएंगे। ऐसा नहीं है कि शेयर मार्केट में लाखों करोड़ों रुपए लगता है सीखने के लिए, आप जो है 500 रुपए से भी सीख सकते हैं, 100 रुपए से भी सीख सकते हैं, 200 रुपए भी लगा के सीख सकते हैं। आप धीरे धीरे पैसा लगा के सीखिए। अगर आपको प्रॉफिट आ रहा है तो आप जो है ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिए तो आपका पैसा जो है बनेगा। जितना ज़्यादा पैसा आप लगाएंगे उतना प्रॉफिट आप जो है यहाँ से कमा सकते हैं। तो शेयर मार्केट जो है बहुत सिंपल और आसान है,
ऐसा कोई नहीं है कि नहीं समझ पाएगा। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे। यहाँ कंपनी का शेयर खरीदना है, चाहे 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, जो भी है। आप एक शेयर 10 रुपये में ख़रीदा है, उसका पैसा अगर ऊपर की तरफ गया है, 10 रुपये से 12, 15 जितना भी गया है, आप बेच दीजिए, प्रॉफिट हो जाएगा। अगर 10 रुपये से नीचे आया है, 10 रुपये से 9 रुपये, 8 रुपये आया है, तो कुछ दिन होल्ड कीजिए, फिर से ये पैसा जो है बढ़ जाएगा, तब जो है बेचना है। आपको उतावला नहीं होना है। बहुत सारे जो शेयर होल्डर है, जो शेयर ख़रीदते हैं, उसका पैसा जब कम होने लगता है, एक दो दिन में देखा जाता है कि कम होना हो रहा है, तो उसको जो है बेचैनी हो जाता है बेचने के लिए। तो आप बेचैन मत हो जाइए। अगर आपका पैसा, अब अगर अच्छे कंपनी में पैसा लगाया है तो उसमें थोड़ा सा भी कम हुआ है तो वो जो है तुरंत रिकवर हो जाता है, लेकिन अगर आप उसको बेच देंगे तो आपका तो लॉस ही लॉस होगा। तो आपको बेचना नहीं है। अगर लॉस में जा रहा है, थोड़ा सा भी लॉस हो रहा है, तो उसको होल्ड करके रखना है। होल्ड कीजिएगा पैसे को, तो ही आपका जो है पैसा शेयर मार्केट में बनेगा, नहीं तो आपका पैसा नहीं बनेगा। शेयर मार्केट बहुत आसान और सिंपल है, पैसा लगाएंगे पैसा बनेगा। यहाँ तो आपको जिन जिन बातों को हमने बताया है उसको ध्यान में रखना है। जिसका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है उसी कंपनी में पैसा लगाना है। और अभी आप अगर नए हैं तो आपको जो है निफ्टी 50 के अंदर जो 50 कंपनी है, जो ब्रांडेड 50 कंपनी है, A1 कंपनी है, उसी कंपनी में पैसा लगाइए, पैसा जो है आपका बढ़ेगा। और आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपके सवाल की आंसर हम देंगे। और इसी तरह की और भी अपडेट्स चाहते हैं तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।